गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास टेंथ, चैप्टर नंबर 18, महाराजा छत्रशाल, पेज नंबर 26, पार्ट टू। ठीक, पार्ट वन हमने रीड किया, एक्सप्लेनेशन हमने समझा, पार्ट टू पे चलेंगे। प्रसिद्ध स्वामी प्राणीनाथ गुरु अस्य गुरु आसीत। प्रसिद्ध स्वामी प्राणनाथ इनके गुरु हुए, इनके छत्रशाल के। प्रसन्न गुरु छत्रशालम, गुरु प्रसन्न होकर के छत्रशाल को महाराज इत्युपाधि न ऐसी उपाधि से विभूषित करके आशीर्वादम प्रदत्तवान, आशीर्वाद प्रदान किया। ठीक है, राज्य त्वदीये नृप, हे राजा तुम्हारे जो राज्य है, ठीक है, छत्रशाल छोणिस सदा कंपमयी विभातु, वहां की धारा, वहां की पृथ्वी सदैव कंपमान रहे। अश्वः त्वदीय समयात, घोड़ा जहां तक तुम्हारा जाए, तत्र साफल्यम् आप्नुहि त्वं, तहां तक तुम सफलता को प्राप्त करो। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। यदा औरंगजेब, जब औरंगजेब दक्षिण भारते व्यापृतः, ठीक है, दक्षिण भारत में व्यस्त था, तदा युद्ध कौशलेन, युद्ध कौशल के बल पे, असौ इन्होंने बघेलखंड, मालव, राजस्थान, पंचांब प्रदेश पर्यंतम, ठीक, बघेलखंड, मालवा, राजस्थान और पंजाब प्रदेश तक क्षेत्रम स्वाधिपत्य कृतवान, अपना आधिपत्य जमा लिया। मुगल शासक इमं मानिनं प्रांताधिपतित्वम, ठीक है, इनको मान करके, इन पे विश्वास करके प्रांत अधिपति सूबेदारी इति दातुम इक्षत, तदा अयम न्यषेधयत। सूबेदारी देने को इच्छुक हुए, परंतु अयम न्यषेद, इन्होंने मना कर दिया, इनकार कर दिया। ठीक है, एकदा महोबा, एक बार महोबा जैतपुर नगर में मुगल शासने जाते, मुगल शासन के प्रभाव होने के कारण सत्यम पेशवा बाजीराव, इन्होंने पेशवा बाजीराव को सहायता के लिए एकम पत्रम, एक पत्र प्रेषितवान, मीन्स भेजा। ठीक है, बाजीराव सहायेन सह, बाजीराव की सहायता से सह पराजितः भूभागम विजितवान, इन्होंने उस क्षेत्र को विजय प्राप्त कर लिया। विजयेन आह्लादितोयम, विजय होने से, ठीक है, आह्लादित खुश होकर के पेशवा बाजीराव को औरश पुत्रमिव, अपने ही पुत्र के समान, मत्वा मीन्स मानकर, विजित राज्य से, जीते हुए राज्य के तृतीय भागम, ठीक है, तीसरे भाग को तस्मै सहर्षम प्रदाय, प्रसन्नता पूर्वक उन्हें सौंप दिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। छत्रशालस्य शौर्येण, छत्रशाल के शौर्य से, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र की भक्ति से, उदारता और उदारता से, च प्रभावितो, प्रभावित होकर के हिंदी भाषाया, हिंदी भाषा के महाकवि भूषण, जिनका नाम क्या था, भूषण, छत्रशाल दशक इति, ऐसे वीर रस निबद्ध, वीर रस छंदों से बनी काव्य रचना अकरोत, काव्य रचना का निर्माण किया। छत्रशाल काव्य साहित्य शास्त्र सम्मानार्थम, छत्रशाल ने काव्य साहित्य शास्त्र के सम्मान हेतु भूषणे महाकवे, भूषण महाकवि के शिविकाम मीन्स उनकी पालकी को, अपि उत्तोलयत, उठाया। द्वयाशीति वर्षस्य अवस्थायां, द्वयाशीति मीन्स 82 वर्ष की अवस्था में, एक त्रिंशत उत्तर सप्तदश शततमे, ठीक है, एक त्रिंशत मीन्स 31 उत्तर, बाद में सप्तदश, ठीक है, 1700, ठीक है, तो 1731 ख्रीष्टाब्दे ईस्वी सन में दिसंबर मास से, दिसंबर के महीने में
चतुः तारिकायां चार तारीख को मौसहानिया मौसहानिया नामक इत्यस्य ताल परिसरे इस जगह क्षेत्र में ताल परिसर स्थान पे एषः इन्होंने क्षणभंग निष्ठ तुरंत नष्ट होने वाले शरीर को अत्यजत छोड़ दिया या त्याग दिया। अधुना सह इस समय वह पांच भौतिक शरीर नहीं है परंतु यश शरीर परंतु यश रूपी शरीर से सर्वदा हमेशा अस्मान हम भारतीयान भारतीयों में प्रेरयन प्रेरणा देने हेतु राष्ट्रभक्ति भावम और राष्ट्रभक्ति का भाव च शिक्षा देने हेतु निवासरत हैं। अयम देशः यह देश जन्मभूमि संरक्षक जन्मभूमि की रक्षा करने वाले महापराक्रमशाली क्षत्रशालस्य सदैव ऋणी अस्ति क्षत्रशाल का सदैव कर्जदार ऋणी रहेगा। ठीक है विजय तेतराम महाराज छत्रशाल ठीक सदैव विजयी हो महाराज छत्रशाल। सो आपके एक्सप्लेनेशन इसका हिंदी आपको समझ में आया होगा। फिर वर्ड्स मीनिंग पे चलेंगे। संप्रति समय वीर पुंग वीरों में श्रेष्ठ पराधीनता पासात गुलामी के जाल से विमुक्तय मुक्ति के लिए सर्वस्वम अपना सब कुछ हुतवंतः जला दिया विमोक्तुम मुक्त करने के लिए प्रयतते स्म प्रयास कर रहा था एतदर्थम इसके लिए मिलित वान मिला सर्वविधम सब प्रकार का साहायम सहायता कर्तुम करने के लिए अयक्षत दिया अन्येषां दूसरों के अविगण्य बिना गणना करके अवाप्तवान प्राप्त किया प्रभुत्वम शासकत्व संस्थापयामास स्थापित किया पराजित करके विभूष्य विभूषित करके त्वदीय तुम्हारे क्षोणी पृथ्वी विभातु प्रकाशित हो समियात जाए गमन करें अवापनु ही प्राप्त करो व्याप्रितः व्यस्त एक्षत इक्षा की न्यषेधयत मना कर दिया प्रादात दे दिया शिविकाम पालकी उत्तोलयत उठाया अत्यजत त्याग दिया क्षणभंग निष्ठम क्षण भर में नष्ट होने वाला यसः शरीरेण यश रूपी शरीर से शिक्षयन शिक्षा सीख दी ए मीन्सी विजेत राम विजयी हो। इसके बाद एक्सरसाइज पे चलेंगे। फर्स्ट जैसे एक पदे छत्रशाल के पिता का क्या नाम था तो श्री चंपत राय। छत्रशाल का जन्म कहाँ किस गांव में हुआ था ककर कचन नए ग्राम ठीक है। बुंदेल केसरी किस कौन प्रसिद्ध था छत्रशाल। शिववीर छत्रशाल है किम नाम कृपाणम कैसी कृपाणी थी भवानी थी ठीक है। भूषण कस्या भाषायाम हिंदी भाषायाम। फिर ये एक वाक्य में योद्धा यादि है आपको इसमें मिल जाएंगे स्टोरी में। नेक्स्ट पेज पे फिर ये अधोलिखित ये लॉन्ग क्वेश्चन है ये भी मिल जाएंगे आपको। फिल इन द ब्लैंक्स मुगल शासक इमम ठीक है सूबेदार मुगल शासक ने इनको सूबेदारी देने की इच्छा जाहिर की। शिववीर तस्मय शिववीर तस्मय भवानी ठीक है भवानी नाम की कृपाण इनको दी। भूषण छत्रशाल दशक ऐसे काव्य की रचना की भारत मात्र भू संरक्षक ठीक है। छत्रशाल थे छत्रशाल 82 थे 82 वर्ष की उम्र में अपने जीवन को त्याग दिया। सही जोड़ी पे चलेंगे। छत्रशाल मातुर नाम इनकी माता का नाम सारंधा देवी। छत्रशाल से जन्म की शताब्द कब हुआ 1649 में। छत्रशाल की राजधानी पन्ना नगर। छत्रशाल का जन्म स्थान ककर कचनय ग्राम और इनका निधन कब हुआ 1731 में। फिर इसी में है 6 नंबर आसीत में असधातु लंगलकार प्रथम पुरुष एक वचन। प्रदते में प्रायत धातु लटलकार प्रथम पुरुष एक वचन। अयक्षत में यक्ष धातु लंगलकार
ठीक है, प्रथम पुरुष एक वचन, एक शब्द में इश धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, तिष्ठ तिष्ठा धातु लट लकार एक प्रथम पुरुष एक वचन। सेवन पे है अधोलिखित पदानाम संधि विच्छेदम कृत्वा संधि नाम लिखत, मातुर नाम मातुः नाम विसर्ग संधि, पराधीनता पर अधीनता दीर्घ संधि, गोपाचलः गोप अचलः दीर्घ संधि, देशो अयम पूर्व स्वर संधि, इत्यासीत इति आसीत यण संधि। एट नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे समास विग्रह, ठीक है, समास करना विग्रह। महाराज महान चासो राजा यस कर्मधारे समास, क्षेत्रपति क्षेत्रस्य अधिपति षष्ठी तत्पुरुष, वीर पुरुषा वीर चष पुरुषा कर्मधारे, राष्ट्रभक्ति राष्ट्रस्य भक्ति षष्ठी तत्पुरुष, यशा शरीरम यशेव शरीरम कर्मधारे समास। नाइन है उदाहरण अनुसारम पर्याय शब्दान, ठीक है, पर्यायवाची शब्द, केसरी है जैसे सिंह, स्वतंत्र स्वाधीन, कृपाण खड्ग, युद्धम संग्राम, तनया पुत्र, जन्मभूमि मातृभूमि। फिर इसके नीचे है टेन रेखांकित पदान्या अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम करो, ठीक है, ये रेखांकित जो वर्ड है इनके जगह में प्रश्न वाक्य यूज करने हैं, स्वतंत्रता ना को इसमें के, फिर शिविरम कम, बाल्यकालात कस्मात, छत्रसाल कस्य, महासन स्थले कस्मिन स्थले, ठीक है। सो आपका ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हुआ, थैंक यू स्टूडेंट्स।